शनिवार को करीब 50 करोड़ का राशन घोटाला सामने आया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद महू एसडीएम और उनकी टीम ने इतने बड़े घोटाले का खुलासा किया। राशन की हेराफेरी मामले में परिवहनकर्ता मोहन अग्रवाल के अलावा बेटे मोहित और तरुण, सहयोगी आयुष अग्रवाल, लोकेश अग्रवाल सहित चार राशन दुकान संचालक और सोसाइटी के प्रबंधक पर किशनगंज और बड़गोंदा थाने में केस दर्ज करवाया गया है। इसके अलावा संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की भूमिका को भी तलाश रहे हैं। जांच में पता चला कि यह गोदाम नागरिक आपूर्ति निगम के परिवहनकर्ता मोहन अग्रवाल के बेटे मोहित का है। हर्षिल ट्रेडर्स नामक यह गोदाम मंडी प्रांगण में शासकीय वेयरहाउस से लगा हुआ है। बिल मांगने पर इन्होंने फर्जी तरीके से हासिल किए गए बिलों को दिखाया था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि मोहनलाल ने अपने सहयोगी व्यापारी आयुष अग्रवाल, लोकेश अग्रवाल और शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालकों के साथ मिलकर राशन की हेराफेरी की है।